अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत होंगे और वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके, हमारी वीडियो को शेयर करके फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों एक कमेंट्स है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कमेंट्स, यूरिक एसिड का इलाज बताएँ। यूरिक एसिड की समस्या आजकल काफ़ी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जोड़ों में या बॉडी के अंदर या पूरे बदन में या छोटे जोड़ बड़े जोड़ मसल्स में हर जगह बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत होती है, लोग बहुत परेशान होते हैं। यूरिक एसिड क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन के ज़रिए या पेशाब के ज़रिए बाहर निकलना चाहिए, किसी भी कारणवश वो अंदर रुकने लगता है और वो बॉडी में जा कर के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, चाहे छोटे जॉइंट्स हों या बड़े जॉइंट्स हों, वहाँ फंसने लगता है, रुकने लगता है और उसकी वजह से फिर बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके इलाज की बात करेंगे हम, हालांकि इस पर और भी मेरी पहले से वीडियो मौजूद हैं, यूरिक एसिड क्या होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, इस पर मेरी वीडियो पहले से मौजूद है। यहाँ मैं आपको छोटी सी वीडियो बना करके कोशिश करूँगा यूरिक एसिड को कैसे रिमूव किया जाए। हमें यूरिक एसिड को कम नहीं करना, बाहर करना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कुछ दवाएँ बता रहा हूँ और आप नोट कर लें, इन दवाओं से इंशाल्लाह आपको एक से दो महीने, अगर हल्का फुल्का बढ़ा हुआ एक दो महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ऑर्थो केयर सिरप के बारे में आपने हमारी पहले वीडियो देखी होगी, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने, अर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों के दर्द, हाथ पैरों के दर्द को कंट्रोल करने और जड़ से ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन और शानदार यूनानी आयुर्वेदिक सिरप है जो कि शुगर फ्री होता है। ख़ास बात यह है कि शुगर फ्री भी होता है, इसको कोई भी ले सकता है, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, यानी कि जो बॉडी में रुक रहा है यूरिक एसिड उसको पेशाब के ज़रिए बाहर निकालने में मदद करता है। इसकी डोज जो है ऑर्थो केयर सिरप की, पहले मैं आपको बता दूं, ये ASF कंपनी है जो अलीगढ़ में इसको बनाती है। एक एक ढक्कन सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है, 10-10 ml सुबह शाम, और 255 रुपये का ये 225 ml होता है। थोड़े से प्राइस ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें सारे कुश्ता जात या भस्म होते हैं डले हुए ज़्यादातर, तो उसकी वजह से थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी दवा जो है वो शरबत बजूरी मोतदिल, ये क्या करेगी, आपके गुर्दे को फिल्टर करेगी, गुर्दे को साफ़ करेगी। गुर्दा जब साफ़ होगा और पेशाब बहुत तेज़ी से आएगा, इसके इस्तेमाल से पेशाब बेहतर खारिज होगा और जो गंदगी बॉडी में रुक रही है वो सब बाहर पेशाब के ज़रिए निकलेगी। अब वो चाहे यूरिक एसिड हो या यूरिया हो या कोई और भी चीज़ हो, सीरम क्रिएटिनिन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें इसके ज़रिए बाहर निकालने में मदद करेगा। ये गुर्दे की धुलाई कर देगा, गुर्दे की पथरी वगैरह इन सब चीज़ों को दूर करा। हालांकि इस प्रोडक्ट के और क्या क्या फ़ायदे हैं मैं वो नहीं बता रहा इस वीडियो में, उसके लिए तो आप हमारी वीडियो अलग से देख सकते हैं शरबत बजूरी मोतदिल की, वहाँ आपको इसको बनाने के तरीका और भी दूसरे फ़ायदे मिल जाएंगे। इसको लेने का तरीका यह है कि 10-10 ml सुबह शाम, इसके ऊपर ढक्कन होता है, लगभग 5 ml हो जाता है, तो सुबह और शाम दो ढक्कन एक गिलास भर के पानी में इस्तेमाल करें। ये मीठी होती है दवा क्योंकि इसमें शक्कर शहद का इस्तेमाल होता है, तो शुगर के पेशेंट इसको डायरेक्ट ना लें, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी प्राइस कोई ज़्यादा नहीं होती है, 80 रुपये में ये 200 ml मिल जाता है जो कि 10 दिन की डोज़ होती है। ये पेशाब के ज़रिए यूरिक एसिड को बाहर निकालेगा। उसके बाद अगली मेडिसिन है, अच्छा एक चीज़ और, जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो बॉडी में स्वेलिंग भी आती है, ये स्वेलिंग को भी ख़त्म करेगा। पेशाब के ज़रिए जब गंदगी बाहर जाएगी तो स्वेलिंग भी ख़त्म होगी, सूजन भी ख़त्म होगी, दर्द में भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा दर्द रहता है क्योंकि जाहिर सी बात है इस मर्ज में दर्द तो रहता ही है, दर्द जब रहता है तो इसको क्या करना है, हब्बे औजा 2-2 गोली सुबह शाम, हब्बे औजा 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम, नाश्ते के बाद लेना है, सारी दवा के साथ में ले लें, और रात को खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का नाश्ते और खाने में 1 घंटे का और दवा का फ़र्क होना चाहिए। 2-2 गोली सुबह शाम, ये 150 रुपये की 40 गोली आती है, ये भी 10 दिन चलेगी, ये पूरी 10 दिन की डोज़ है और लगभग आपके 400-500 रुपये के अंदर ये आराम से 10 दिन की डोज़ मिल जाएगी और इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा और ये परेशानी जो है दोस्तों वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ये टेम्परेली होगी, जब गुर्दे सही हो जाएंगे आपके, फिल्टर हो जाएंगे, जो रुक रहा है यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, बस खाने पीने का परहेज़ रखें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर ये दवा की ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मेल फीमेल हमारे यहाँ दोनों डॉक्टर मौजूद हैं, इस दवा की ज़रूरत है तो उसके दवा मंगवा भी सकते हैं आप, ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए इलाज भी करा सकते हैं आप।
मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।